हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं द्वारका, तो आपको दिखाएंगे द्वारका का नज़ारा कितना अच्छा लगता है द्वारका में। तो गाइस, पहली बार हम जा रहे हैं द्वारका। हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं द्वारका, तो आपको दिखाएंगे द्वारका दीश का नज़ारा, तो कैसा लगता है वहाँ पर। दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कमेंट शेयर करें जरूर भाइयों। तो ये जगन बघेल कहाँ चल रहे हैं, जगन बघेल द्वारका दीश। तो गाइस, मिलते हैं आपको द्वारका में। हेलो गाइस, तो सुबह के बज चुके हैं 5, हम आ चुके हैं द्वारका जंक्शन में। तो अब जा रहे हैं मंदिर की ओर पैदल, तो बैठे बैठे थक गए हैं, अब जा रहे हैं पैदल। तो भाई बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल के साथ। तो गाइस, चलते हैं मंदिर। गाइस, नींद में हम अभी चल रहे हैं। गाइस, देख सकते हैं द्वारका जंक्शन का नजारा, ये देखिए गाइस। ये भी हालत में होता ना भाई, ये देखिए गाइस। अरे पार्क है, ये पार्क बच्चों वाला पार्क। बोलते हैं भाई अंजलि वृद्ध आश्रम से ना भाई, आगर से पासर से जवान से रास्ते से जवान। तो गाइस, यहाँ पर बोल रहे हैं गुजराती भाई, यहाँ पर यहाँ से रास्ता गया है वृद्धाश्रम के लिए, अंजलि पार्क आ चुका है। तो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तो देख सकते हैं गाइस। चलो भाई, चलो इस समय पैदल यात्रा कर रहे हैं भाई। हाँ, पैदल यात्रा कर रहे हैं। कितने लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा करो भाई, पैदल यात्रा कर। गाइस, देख सकते हैं गाइस, यहाँ से 2 किलोमीटर है भाई। तो गाइस देखिए, रोड बहुत चल रहा है। तो गाइस, एक कौन से क्रांति वीर भाई, क्रांति वीर। देखिए गाइस, द्वारका का नजारा, क्रांति वीर। तो गाइस, कमेंट करके बताना गुजराती जो कोई समझ जाता हूँ, माना पढ़ा लिखा गुजराती छे। गाइस देखिए, द्वारका दी आगमन, आ रही हो पहला गेट आ गई हो, समुंदर में पानी, समुंदर देख रहा है, हर जगह पानी ही पानी। देखिए कुंड है भाई, कुंड है भाई। गाइस, यो गाइस, तो गाइस देख सकते हैं मंदिर जाने के लिए इतना भीड़ में जाना पड़ेगा। गाइस ये देखिए गाइस, द्वारका। लंबी लाइन लगी हुई है गाइस, द्वारका जाओ छगला। गाइस देख सकते हैं, गोमती नदी है ये, गाइस पूरा नदी खाली हो जाएगा, जैसे ही सूर्य निकलेगा वैसे ही नदी खाली हो जाएगा द्वारका दीश का। तो गाइस देख सकते हैं, रात में इतना पानी भरा हुआ तो वहां तक, अब सुबह हो चुका है तो धीरे धीरे खाली हो रहा है पानी। गाइस देखिए दोस्तों, जैसे ही सुबह होता जाएगा पूरा नदी खाली हो जाएगा। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं पानी यहाँ से आ गया था रात के 2 बजे, अब देख सकते हैं गाइस, जैसे ही दिन होगा वैसे ही खाली हो जाएगा ये नदी, इसको बोलते हैं गोमती नदी। गाइस द्वारका दीश के मंदिर के पास देख तो गाइस, देख सकते धरती देखने लगी है, जैसे ही खाली हो दिन होगा वैसे ही पानी खाली हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं, जितना ही सूरज उगेगा उतना ही खाली हो जाएगा पानी। गाइस पूरा नदी खाली हो जाएगा, तब इससे हम जाएंगे समुद्र के उस पार। तो गाइस यहाँ से पानी भरा हुआ था अभी हम देखा है हमने। तो गाइस देख सकते हैं अभी पानी खाली हो गया है, देखिए गाइस। तो गाइस पूरा ही पानी खाली हो जाएगा, जैसे ही सूरज उगेगा वैसे ही पानी खाली हो जाएगा। गाइस देख सकते हैं कितना सख्त है, जय द्वारकाधीश।
ये नदी हाँ तो गाइस जैसे ही दिन होगा वैसे ही खाली हो जाएगा ये नदी पूरा का पूरा। गाइस अभी दिखाएंगे तुमको, यहीं पर बैठ कर दिखाएंगे गाइस, पूरा नदी खाली हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली। थोड़ा बचेगा, थोड़ा थोड़ा, अभी यहाँ से भरा हुआ था पानी यहाँ से, तो गाइस पूरा पानी खाली हो चुका है नदी का। अभी आपको दिखाया था कि भरा हुआ है नदी, देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली हो चुका है गाइस। देखिए धीरे धीरे ये जितना पानी बचा हुआ है सारा खत्म हो जाएगा। देखिए भाई पूरा का पूरा नदी खाली हो चुका है, बहुत जय श्री कृष्ण। गाइस दूर दूर तक देख सकते हैं, गाइस देख सकते हैं पूरा का पूरा नदी खाली हो गया। ये देखिए सुबह में 3 बजे के समथिंग रास्ता है, पानी सुबह 5 बजे तक रहता है नदी में, जैसे ही दिन होता है पानी खत्म हो जाता है। देख सकते हैं गाइस ये देखिए